सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपके शो के लिए। और थैंक यू, जो थैंक प्रोमो यू। देख रहे हैं कि आपको शेफ बनना है, लेकिन शेफ बनते बनते आप शादी कर लेती हो, क्या हो रहा है कुछ अगर आप बता सकते? शेफ बनते बनते शादी कर लेती हूँ, बोलते ना लाइफ में भी ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, शायद साजरी के लाइफ में भी ट्विस्ट एंड टर्न हो जाते हैं। शेफ तो वो है ही, शायद बन भी जाए, यू नेवर नो, बट शादी भी एक हर लड़की का सपना होता है। एंड साजरी में साजरी जो क्वालिटीज़ ढूंढती है वो शिवम में उसे मिल जाती है। पर शादी होती है नहीं होती है, होती है कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो तो आपको देख के ही पता चलेगा। आप जब देखते हैं के अनुसार हम देख रहे हैं कि आपको प्यार होता है, लेकिन शादी भी, मतलब प्यार दूसरे से, शादी किसी और से? इंडियन टेलीविजन ये तो होना ही था, इतना इजी हम कैसे ड्रामा हम दिखाएंगे? ड्रामा में ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो वही प्रोमो में भी दिखाया है। थोड़ा आप अपने कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि आप बिजनेसमैन दिख रहे हैं, रेस्टोरेंट। इट्स अ शेफ़, द कैरेक्टर इज़ अ शेफ़, और खाने से प्यार है, खाने की चीज़ों के लेके बहुत पैशनेट है, परफेक्शनिस्ट है, सभी चीज़ों में परफेक्शन ढूंढता रहता है, तो वही कैरेक्टर है, पॉजिटिव डिसेंट। एंड बाकी और जो लेयर्स हैं वो धीरे धीरे इसके ओपन होते रहेंगे। तो साची साची इज़ अ फुल ऑफ लाइफ गर्ल, और शी इज़ बबली, शी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड शी इज़ फुल ऑफ लाइफ गर्ल, शी इज़ लाइक अ रेनबो। कि अब जैसे आजकल की लड़कियां होती हैं कि जो चीज़ मुझे पसंद आ गई वो मेरी हो गई, तो शी इज़ लाइक दैट, कि शी इज़ फुल ऑफ लाइफ, एज आई सेड। वेल, आई वुड से प्रेशर नहीं है वो करेक्ट वर्ड, आई वुड से कि हाँ कोशिश करते हैं कि हर बार लास्ट शो से बेटर करें और कुछ नया ऑडियंस को हम सर्व कर सकें, बिकॉज जो कैरेक्टर्स वो देख चुके हैं वो उसके लिए ऑलरेडी प्यार मिल गया है, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट कि हाँ अब कुछ नया देखने को मिले इस एक्टर से, तो हम ट्राई यही करते हैं कि उनको हर बार कुछ नया प्लेट में सर्व कर दें, एंड मोटिव यही होता है कि वो अच्छे से एंटरटेन हो। इस शो में क्या अलग होने लगे? हम देखते हैं पिछले शो में जहाँ पर आप काफ़ी एंग्री मैन थे, उससे पहले आप इंस्पेक्टर थे नट में, कुछ अलग अलग आप शेड करते रहते थे, ये शो में क्या है? कुछ आप स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कुछ सोचा है आपने, क्या अलग दिखने वाला? वेल ये एज एन एक्टर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि लास्ट शो का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था, तो वो इमेज ब्रेक करने के लिए जब आप कैरेक्टर ये ब्रीफ पढ़ा तो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव था, तो वही सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट था मेरे लिए एज एन एक्टर, एज चैलेंज लेना कि हाँ चलो लास्ट शो का जो इमेज है वो भी ब्रेक करना है, प्लस कैरेक्टर है भी इतना अच्छा, कॉन्सेप्ट भी इतना अच्छा है, तो ऑडियंस को जो मैं एज एन एक्टर सर्व करना चाहता हूँ वो इस शो में कर पाऊँगा, सो हियर आई एम। एक्चुअली नहीं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से, सो मुझे ना एज अ लड़की ये बचपन से सिखाया गया था कि आप अपने आप को एक बॉक्स में नहीं डालो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं आज 14 साल बाद फिर वो जगह पर जहाँ पर शायद मैंने अपना करियर चालू किया था, तो लोगों को नहीं पता है बट आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एज अ किड, मैंने अपना करियर चालू किया था और इसी सेट के बाजू वाले सेट पे मैंने एक मूवी में काम किया था बचपन में, और तब छोड़ते छोड़ते शायद मेरे मुँह से निकल गया था कि वापस मैं लौट के आऊँगी, और शायद मेरी मॉम के मुँह से ज़रूर निकला था कि इसकी किस्मत में होगा ये वापस आएगी। मैं उनमें बहुत मानती हूँ, तो उनकी टाइमिंग पर बहुत विश्वास है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी वो जो सेट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स और रूल्स कहते हैं उसके हिसाब से चलना नहीं सिखाया है, मुझे हमेशा से अपने दम पे खड़ा होना सिखाया है, तो ये बहुत इजी था। आई थिंक उन्हें पता था कि वापस ये लौट के यहीं आएगी, तो वापस मैं आ चुकी हूँ। खट्टा मीठा कोई भी रिश्ते हो? हाँ, अरे स्कूल लाइफ में बहुत खट्टे रिलेशन मिले हैं अभी जाके अच्छे मीठे रिलेशन हैं जो पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, दोस्त यार जो हैं अभी अच्छे मिल रहे हैं, और उस टाइम पे भी मतलब सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, उस टाइम पे बचपने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आई गेस सबकी लाइफ में मीठा खट्टा मोमेंट रहा है। मेरी लाइफ में खट्टा मीठा मोमेंट, अब मैं स्कूल में ना एक्चुअली हेड गर्ल थी, तो मैं तो शायद मैं लोगों के लिए बहुत खट्टी रही होंगी मेरे क्लासमेट्स के लिए, मेरे स्कूलमेट्स के लिए मैं बहुत खट्टी रही होंगी बीइंग अ हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, क्योंकि वो एक वो रूलिंग
एक लीडिंग वाली चीज़ रहती है ना आपके हाथ में, तो इट्स लाइक दैट. और अगर मैं इनकी बात करूँ ना, इन्होंने मुझे एक बार अपने स्कूल जैसे थे, मुझे वो बताया था कि ये कैसे थे. तो आप तो ऐसा बहुत लड़ने भिड़ने वाले थे ना. हर लड़का होता है. हर लड़का नहीं होता, ये तो ऐसे बता रहे थे. मैं चोटे भी खा के आता था. अरे भाई तो देखो, अरे सब चीज़ें होती हैं यार, नॉर्मल है स्कूल लाइफ. वो नॉर्मल नहीं, मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं है. हेड गर्ल, इतनी लंबी हेड गर्ल, तुम्हारे इससे अलग होंगी. हम लड़कों के लिए अलग होती थी, क्योंकि अब मेरे लिए तो सब कुछ ही डिसिप्लिन होता था ना, क्योंकि अब लड़के हैं लड़कियाँ. इवन मेरी क्लास के लड़के मुझसे कहीं ना कहीं डरते थे, बिकॉज आई वॉज लाइक कि अच्छा अभी जाती हूँ प्रिंसिपल के पास, क्योंकि अब आप हेड गर्ल हो, आपके पास रूलिंग पावर है ना, तो वो चीज़ रहती है. बट हाँ, मैंने ऐसे कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा, मैं ऐसे डोमिनेटिंग वाली हेड गर्ल नहीं थी. बट हाँ, ऐसा खट्टा मीठा कुछ नहीं रहा. लोगों की लाइफ में बहुत खट्टी रही होंगी. फॉर्मल मीटिंग होती है, हम बैठते हैं रिहर्सल पे और स्क्रिप्ट रीडिंग पे, तो वही अच्छा था, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एज एन एक्टर, मैं मानता हूँ. वहाँ पे समझ में आ जाता है कि एज एन एक्टर कितना जलप होंगे हम एक दूसरे में, और प्रोफेशनली कैसा रहेगा, पर्सनली कैसा रहेगा बॉन्ड. सो आई वाज क्वाइट श्योर कि हाँ अच्छा ही रहेगा सब कुछ, सारी चीज़ें पॉजिटिव टिक मार्क्स मिल गए थे उस टाइम पे. ओके, एक आखिरी सवाल.